ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम ले जाने के लिए आ चुका है। दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला बाबा हमें आ चुका है हमारा, तो हम स्वर्ग के फिर परिजादे बनने वाले हैं। जो भी बाबा का बच्चा बन चुका है उसका जन्म बहुत अच्छे घर में होगा। ये भी सुन रहे थे ना कि जो भी बाबा का बच्चा बना है, ज्ञान सुन लिया है, उसका जन्म तय है कि बहुत अच्छे घर में होगा। और जो भी जाता है वो उसको अंतिम भोग भी जरूर लगाना चाहिए, अंतिम भोग बाबा के घर में। तो बाबा कहता है बाबा के घर में लगाना चाहिए। तो बाबा कहता है कि हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। हम लोग स्वर्ग के परिजादे, मतलब इस जन्म को जब भी छोड़ेंगे तो हम लोग अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। प्रश्न है, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती है? क्यों? चिंता होना चाहिए ना, अगर कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा तो चिंता होना चाहिए, लेकिन बाप को चिंता नहीं होता है, क्यों? उत्तर है, कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल होते हैं, कोई से जरा भी खुशबू नहीं, कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती है, कोई के माया के तूफानों में हार खा लेते हैं। यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती है, क्योंकि बाप जानते हैं कि यह सत्यों की राजधानी तैयार हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं कि बच्चे जितना हो सके याद में रहो, विक्रम विनाश करो, मतलब जान रहे बाबा कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई साहूकार, क्योंकि पूरा राजधानी तैयार हो रहा, बाबा पढ़ाता है राजा बनाने के लिए, बच्चे फिर बन जाते वैसा। तो माया के तूफानों से डरो नहीं, कोई भी तूफान आ रहा है, माया का परिस्थिति आ रहा है, वो विदाई लेने के लिए आता है, आप एकदम अचल अडोल रहे। कहीं बाबा ऐसा बुल्ली में बोला है कि कोई बहुत ज़्यादा तंग करे, वहाँ पर कुछ देर के लिए झुक भी जाना सही है, झुक जाना है, मेरा तो आसक्ति नहीं है ना कोई भी चीज़ में। अब जैसे कि कोई नया नया बच्चा आया है, अब उसको खाने के लिए बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है, ये खा लो वो खा लो, बाबा आप खिला रहे हैं। अब जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा को खिला रहा था ना अंडा, लेकिन खिलाया तो नहीं। तो उसी तरह अगर निश्चय पक्का है, बाबा को याद करते रहे एकदम पावरफुल योग, तो सब कुछ अच्छा होना है। तो बाबा कहता माया की तूफानों से डरो नहीं। ओम शांति। मीठे से मीठा बाबा, बेहद का बाप, मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाती हैं। यह तो समझते हो ना कि बहुत बहुत मीठा बाप है, फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठी मीठी बातें करता है। टीचर के रूप में भी तो एक भी शब्द ऐसा आता है जो खराब लगे नहीं। तो यहाँ तो तुम बैठते हो तो याद में होना चाहिए कि बहुत मीठा मीठा हमारा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यहाँ तो वैश्यालय में बैठे हो, कितना मीठा बाप है, वह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प के लिए सुख धाम ले जा रहा, आधा कल्प 2500 साल तक हम सुख धाम में रहेंगे, कितना बड़ा प्रारब्ध है ना, कोई ऐसे देगा इतना? कितना भी आप करोड़ों कमा ले, एक ही जन्म के लिए, इसी जन्म के लिए है। और बाबा का प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए, कितना बड़ा प्रारब्ध, कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, एकदम लगा देना चाहिए सब कुछ बाबा के यज्ञ में, तन मन धन समय स्वास संकल्प लग जाए, मेरा कुछ है ही नहीं बाबा, अब सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो दुख हरने वाला है, एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि का राज समझाते हैं, जो कोई और समझा ना सके, ये सब कोई समझा थोड़ी सकेगा कि हमारा आने वाला जन्म कैसा होगा, कैसे हम करेंगे, कोई नहीं समझा सकता है। तो यह चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, ये कोई नहीं जानता, ये सारा चपटी में समझाते हैं, चपटी में मतलब सार में समझाते हैं, कम शब्दों में ही बाबा बहुत कुछ समझा रहा है। फिर साथ ले जाएंगे बाबा, सुधारेगा भी और साथ भी ले जाएगा, यहाँ तो रहना नहीं है ना, सभी आत्माओं को साथ ले जाएगा, शरीरों को नहीं, इसलिए शरीर में भी मोह नहीं रखना है, क्योंकि इस जन्म में बाबा के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस जन्म से जाएंगे ना तो बाबा कहता बहुत अच्छे घर में भी जन्म लोगे,
लेकिन हाँ जब तक हैं तब तक बाबा के साथ का एंजॉय जरूर करना है। बाकी अब थोड़े रोज है। कहा जाता बहुत गई अब थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी रही। इसी पे ये घटना है ना एक नर्तकी का। नर्तकी गाना गा रही थी, डांस कर रही थी नर्तकी राजा के दरबार में, और रात भर चला तो जो तबला बजाने वाला था वो तबला रो धीरे धीरे नींद के आहोश में बजाने लगा धीरे धीरे। तो वही बोली अपने ही मतलब श्लोक के रूप में संस्कृत में, बहुत गई अब थोड़ी रही, थोड़े में मत कलंक लगा दो। इस ढंग से कुछ बोली और उससे कितने लोग प्रभावित हुए। जो गुरु था उसको कुछ धन दिया था राजा कि दे देना नर्तकी को ताकि तुम्हारा भी मान रह जाए। तो वो गुरु क्या किया, सारा धन दे दिया नर्तकी को, बोला हम जा रहे हैं। फिर उसकी बेटी थी वो अपना बहुत कीमती जो गले में हार पहनी थी वो दे दी, उसका बेटा ताज उतार कर दे दिया। अब बोली ये क्या कर रही है, ये बस में कर ली है क्या? बोले ऐसा तुम क्या बोलती जो इन लोग सब दे पूरा दे दे रहा तुमको? तो बोले हम तो कुछ नहीं बोले। तो पूछा गया गुरु से ही सबसे पहले, तो गुरु बोले कि देखो हम इतना दिन तक तपस्या किए और हम सोचे राजा बुलाया है तो जाना चाहिए, नर्तकी का डांस रात भर देखें, मेरा योग कहाँ गया, इसीलिए हम सारा धन देकर हम जा रहे हैं। कमंडल उठाया चल दिया। बेटी बोली आप मेरा शादी नहीं कर रहे हैं इसलिए हम भाग जाएंगे। लेकिन जब श्लोक सुनी कि बहुत गई अब थोड़ी रही, थोड़े में ना कलंक लगाओ सब ठीक हो जाएगा, तो हम सोचे कि क्यों हम अपने पिता पर कलंक लगाएं, इसलिए हम अपना कीमती हार इसको दिए कि हमको रोक ली। लड़का जो था वो बोला हमको ताज आप नहीं दे रहे हैं इसीलिए हम आपका खून करने वाले थे। लेकिन जब ये बात सुने तो बोले कि देना तो हम ही को है, कोई दूसरा बेटा को तो नहीं देगा, हम ही बेटा है तो फिर हम मारने क्यों जाए अपने पिता को, इसलिए हम अपना ताज ही अहंकार है ना वो दे दिए। अब राजा को तो आँख खुल गया। आँख खुला तो क्या किया कि सबसे पहले बेटी का भी शादी करवाया, बहुत सारा राजकुमार आया हुआ था, फिर बेटा को भी ताज दे दिया कि नहीं अब आज ही होगा राज तिलक, और खुद वैराग्य ले लिया। तो आज बाबा कहते ना बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी रही, फिर क्यों कलंक लगाना, पता नहीं विनाश होगा कि नहीं, क्या करे ना करे क्यों, हमें करते चले जाना है, रुकना नहीं, क्या करना बाबा से पूछना अगर नहीं समझ में आ रहा तो। बाकी थोड़ा समय, इसीलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तो जमा है ना, उसको खलास करना है तो वो खलास होगा। भल माया की बुद्धि चलती है, तुम मुझे याद करोगे तो यह याद से हटाएगी। माया का बुद्धि चलता क्या फायदा, कितना तो याद कर रहे कहाँ कुछ हो रहा है, बहुत तरह का बात आएगा मन बुद्धि में। लेकिन बाबा कहता तुम याद करो, याद उस माया के विघन को खत्म कर देगी। इसीलिए कभी विचार नहीं करना क्या होगा कैसे होगा, कितने भी संकल्प आए विकल्प आए तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिर जाए तो भी डरना नहीं, होता है ऐसा, ऐसा होता है कभी कभी रात भर नींद नहीं आएगा, संकल्प विकल्प चलते रहेंगे, लेकिन मेरी स्थिति नहीं गड़बड़ हो, बाबा को सौंपते जाएं, सौंपते जाएं, बाबा जरूर निकालेगा। तो बहादुर रहना है। बाबा कह देते हैं या आएंगे जरूर, नहीं ये आएंगे जरूर। देखिए बाहरी लौकिक से जीत गए, अलौकिक से भी अब जीत रहे, अब मन बुद्धि अपना ही बोलते हैं ना, जिसको कोई नहीं हराया उसको अपना बेटा बेटी हराता है लौकिकता में। अब यहाँ अपना बेटा बेटी तो मेरा मन और बुद्धि है वही हराता है, तो स्वप्न भी आएंगे। इन सब बातों से डरना नहीं, बस तुम सोचना मुझे अच्छा करना है। युद्ध का मैदान है ना, ये सब विनाश हो जाने हैं, तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए। बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना, श्वास बंद करके बैठ गए ये सब नहीं करना, हठ योगी नहीं है। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है, इसको रोकना नहीं है, इसमें श्वास आदि बंद करने की कोशिश भी नहीं करनी है। हठ योग आदि कितनी तकलीफ करते हैं, हठ योग में कितना तकलीफ करते, सांस रोक कर बैठ जाती हैं, एकदम हाथ पैर मोड़ कर बैठ गए सालों साल। तो बाबा को अनुभव है, ये सब सन्यासी करते ही हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते थे बाबा भी, परंतु फुर्सत भी हो ना बाबा सीखते थे, लेकिन बाबा तो ये बिजनेस करने वाला था तो उसको टाइम नहीं मिलता था ये सब करने का। तो जैसे आजकल तुमको कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है परंतु फुर्सत कहाँ, इतने कारखाने हैं, ये हैं वो हैं, अपना बता देता है इतना बड़ा बिजनेस है, ये करते हैं वो करते हैं, टाइम हमको नहीं है।
तुमको बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और चक्र को याद करो, बस क्या है डिफिकल्ट इसमें, क्या मुश्किल है। अभी द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही है ना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी कर ही रहे हैं, मेडिटेशन किए बिना एक्सरसाइज किए बिना नहीं जाते। चलो ठीक है, वो ज्ञान में नहीं, वो मुरली नहीं सुन रहे, लेकिन मनन चिंतन तो बहुत अच्छा करते हैं वो। तो सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था, फिर इस्लामी बौद्धी आदि की वृद्धि होती गई, वह अपने धर्म को भूल गए। अनेक धर्म आते चलेगा और हम अपना ही मुख्य धर्म भूल गए, अपने को देवी देवता कह ना सके क्योंकि भिखारी बन गए थे द्वापर में, क्योंकि आप पवित्र बन पड़े, देवताएं तो पवित्र थे ड्रामा के प्लान अनुसार, फिर वह हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो होता ही नहीं, तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू हिंदू कहने लगते हैं, असली नाम भारत है, तो असली नाम भारत है हिंदुस्तान नहीं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बट गया तो इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा, ऐसे तो भारत ही था, तो भारत ही असली नाम है। कहते हैं भारत की माताओं की जय, भारत माता की जय, तो भारत की माताओं की जय, हिंदुस्तान की माताओं की जय थोड़ी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं ना भारत माता की जय, हिंदुस्तान माता की जय से बोलते हैं क्या, भारत माता की जय बोलते हैं। तो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था ना, इसलिए भारत बाद में ना बटा, तो भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं, बाप को कैसे याद करना, बाप आए हैं घर ले चलने के लिए, किसको घर ले जाएंगे, शरीर को कि आत्मा को, आत्मा को ले जाएंगे, आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र भी बनते हो, पवित्र बनते जाओगे तो फिर सजा भी नहीं खाओगे। अब देखिए बच्चे पवित्र नहीं बनते, हमसे इतना नहीं हो पाएगा, शरीर का भोग आपको पवित्र बनाएगा, शरीर का भोगना, तो इसीलिए मन बुद्धि तन सबको पवित्र बनाना। किसका डायरेक्शन है कि बच्चे काम विकार को छोड़ो, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है कि मन बुद्धि में भी एक भी संकल्प गलत नहीं आने दो। देखिए कोई है ना शरीर से ब्रह्मचर्य अपना लिए तो मन बुद्धि में गलत चल रहा है, और मन को पवित्र बनाए हुए हैं तो तन से अपवित्र बन रहे हैं। बाबा यहाँ दोनों की पवित्रता पर गौर करवाता है कि बच्चे दोनों से पवित्र बनो, अगर सजाएं खाई तो पद कम हो जाएगा, इसीलिए याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होगा। याद करने का मतलब केवल बाबा बाबा करना नहीं है, बाबा की शिक्षाओं को याद करना है। 24 घंटे हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, किसके साथ कितना अटैचमेंट है, किसके लिए क्या चला रहे हैं, ये सब चेक करना है। तो बहुत बच्चे जो याद नहीं कर सकते तंग होकर फिर छोड़ देते हैं, युद्ध नहीं करते, मतलब अच्छा विचार बुरा विचार के बीच युद्ध करना है नहीं, बाबा बोला है हमें अच्छा करना है तो अच्छा करना है, मन में आएगा नहीं बोल ही दो, गलत बोल दो उसको, वो इतना कर रहा है तो तुमको बोल देना चाहिए, युद्ध कर होता है। तो समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे, और जो नापास होंगे वो दास दासी बन जाएंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए ना, भल वहाँ दुख नहीं होता, परंतु गरीब साहूकार तो हर हालत में होंगे वहाँ। गरीब साहूकार क्यों बोलते बाबा, भरपूर होंगे लेकिन कहाँ महाराजा महारानी और कहाँ दास दासी, गरीब और साहूकार ही हुआ ना। तो यह है कलयुग, यहाँ साहूकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं और वहाँ दोनों सुखी होते हैं, परंतु गरीब साहूकार की भाषणा तो रहेगी ना, ये भाषणा तो रहेगी ना कि हम दास दासी हैं, दुख का नाम नहीं होगा, बाकी नंबर वार भी होते हैं, कोई रोग नहीं होगा वहाँ, आयु भी सबकी बड़ी होगी, इस दुख धाम को भूलते जाते हैं, सोचते थे कि पहले देवी देवता और दास दासी सब ताजधारी होंगे वहाँ पर सतयुग में, तो कैसे अंतर पड़ेगा। तो एक बार मुरली में बाबा क्लियर किया ना, जो जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे जितना ज़्यादा विश्व की सेवा करेंगे उतना बड़ा ताज होगा, और वो ताज से पता चलेगा ये महाराजा महारानी है दास दासी, उसका कपड़ा उसका जेवर सब अलग होगा दोनों का, जैसे यहाँ दिखाते हैं वैसे वहाँ भी होगा, वहाँ के अनुसार होगा। तो सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा, दुख धाम और सुख धाम की याद तो अभी दिलाते हैं बाबा, अभी त्रिकालदर्शी बने हैं ना तो अभी सारा कुछ याद दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था ये तो पता ही नहीं, कैसा था स्वर्ग ये भी पता नहीं,
अंदर में आता है स्वर्ग कैसा होना चाहिए पूछे तो बहुत सुख हो, शांति हो, परिवार में मेल मिलाप हो, सब कुछ भरपूर हो, यही सब चाहते हैं ना, शरीर स्वस्थ हो, हम खुश रहें। तो कभी था इसीलिए इमर्ज करते हैं, कुछ भी नहीं जानते कब था कैसे था, लाखों वर्ष की बात तो कोई याद ही नहीं कर सकता है। बाप कहते कल तुमको सुख था, कल फिर हो जाएगा, कल था और कल फिर हो जाएगा, आज क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। तो यहाँ तो बैठे फूलों को देखते हैं, बाबा यह अच्छा फूल है, यह इस प्रकार की मेहनत करते हैं, यह स्थिरियम नहीं है, यह पत्थर बुद्धि है। स्थिरियम माना मन बुद्धि से स्थिर होकर बाबा के ज्ञान में चलते रहना। तो बाबा देखता है कि कौन पत्थर बुद्धि इतना समझाने के बाद भी गलत कर रहे हैं। बाप की कोई बात की चिंता नहीं रहती, बाप को किसी बात की चिंता नहीं रहती, कोई मतलब कम पुरुषार्थ कर रहा, कोई ज़्यादा कर रहा, चिंता नहीं, क्योंकि बाबा कहता है राजधानी बन रहा है, सब अपना अपना पद तय कर रहा, मेरे तरफ से कमी नहीं, बाबा की तरफ से कमी नहीं। हाँ, समझते हैं कि बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार ही बन जाएं, पढ़ना भी पढ़ाना भी है, बच्चे भी बने परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हों, और वह भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसा फूल है, या बाप बैठकर देखते कि पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, कितना पढ़ाते हैं, ये सब देखना है, बाबा देखते हैं। क्योंकि यह चैतन्य फूलों का बगीचा, ये क्या है, चैतन्य फूलों का बगीचा है ना, सारे फूल हैं लेकिन कौन कितना खुशबू फैला रहा उसके हिसाब से पद तय हो रहा है। तो फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है ना, तो यहाँ बाबा को भी खुशी होती, चैतन्य फूल है, कोई गुलाब है, कोई कमल है, कोई बेली है, चमेली है, गेंदा है। तो बच्चे खुद भी समझते हैं, बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो सजा खा कर फिर पद पाओगे। बाबा कहता है ना सजा खा कर नहीं, अब हम बाबा रोज कह रहा है कि बच्चे खान पान को शुद्ध करो, आप नहीं कर रहे हैं शुद्ध, तो फिर क्या होगा, बीमारी आएगा शरीर में, अब बीमारी आएगा डॉक्टर कह देगा कि एकदम साधारण खाना इसको खिलाओ, आया ना पेपर फिर साधारण में आ जाते। तो यही सब चेक करना है, मन बुद्धि का पवित्रता, खान पान की पवित्रता, ब्रह्मचर्य की पवित्रता, ये सब कुछ लाना, नहीं तो सजा मिलेगा, और सजा कोई बाबा नहीं देगा, हमारा कर्म होगा, अपना कर्म भोग आएगा। तो मानी और मोचरा, अगर सजा खाकर सूखी रोटी मिल गई तो क्या बड़ी बात है, सूखी रोटी खाना है क्या, नहीं खाना है तो बाबा जो कहता है हाँ जी। तो बाप को ऐसा करो, याद करो जो जन्म जन्मांतर के भी पाप कट जाए, इतना याद करना है 24 घंटे कि मेरा जन्म जन्मांतर का भी पाप खत्म हो जाए। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता है, कब बंद नहीं होता है, जू मिसल चलता रहता है, जू सबसे आहिस्ते चलता है, जीव जंतु में ना सबसे धीरे चलता है जू, उससे भी धीरे है जू मिसल ड्रामा चलता है, मतलब एक साथ पहुंचा दे रहा बाबा, मात्र 100 साल में कलयुग को सतयुग में बदल दे रहा, और सतयुग से कलयुग आने में 5000 साल लग गया, सोचिए कितना धीरे चलते होंगे। तो यह बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है, टिक 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 होती रहती है, 5000 साल में सेकेंड्स मिनट कितने होती हैं, यह वह हिसाब भी बच्चों से निकाल कर भेजा है, बच्चों ने निकाल कर भेजा, एक बच्चा था जो सारा हिसाब निकाल कर भेजा कि अभी कितना हुआ है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकाल ना सके, इतना कौन निकालने जाता, लंबा चौड़ा हिसाब लाखों वर्ष का। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं, बाबा एक को बैठ कर देखते हैं, यह बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, औरों को कितना ये समझाते हैं, क्लियर कब होगा, जब आप दूसरों को समझाते हैं, तब बाबा कहता ना रोज बोल रहा था आँख खोल कर बैठना है जागृत अवस्था में, तो कभी कभी हम आँख खोले रहते लेकिन नींद के आहोश में रहते, तो ये भी नहीं रखना है। तो बाबा औरों को भी समझाते हैं, बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो, बैज तो बच्चों के पास है, बोलो यह है शिव बाबा, ये शिव बाबा है, दिखाना है बैज को, काशी में जाओ तो भी शिव बाबा कहकर याद करते, रड़ी मारते हैं वो लोग, तो तुम हो शालिग्राम, आत्मा बिल्कुल छोटा सा सितारा, उसमें कितना पाठ भरा हुआ है, आत्मा घटती बढ़ती नहीं है, बढ़ती घटती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण चंद्रमा है, चंद्रमा पूरा गोल रहता, केवल लाइट कम और ज्यादा होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।
तो आत्मा घटती बढ़ती रही, विनाश नहीं होता है उसका, आत्मा विनाशी, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई और नहीं। इतना सख्त हम लोग को बनना है, हीरा भी बनना और बहुत सख्त भी बनना है कि माया हमें तोड़ ना सके। चाहे कितना भी तूफान आए लेकिन माया हमें तोड़ ना सके, ऐसा हीरा बन जाना है। आत्मा का विचार करो, कितनी छोटी उसमें कितना बड़ा पाठ भरा हुआ है। तो जो कभी भी घिसता नहीं, दूसरी आत्मा होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही रूप में देखें। है ऐसा सतगुरु माना जो साथ ले जाए, सदगति करे, तो ऐसा तो मनुष्य हो ही नहीं सकता है। तो यह एक ही बेहद का बाप है जो शिक्षक बनकर सबको शिक्षा देते हैं, मन मना भाव का मंत्र देते। बच्चे मन को पवित्र बनाओ, बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। तुमको भी कहते हैं कोई धर्म वाला मिले उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना, उन लोग भी याद करता है बहुत अच्छे से, तो उनको भी बताना है कि अब जैसे याद करते हो। उन लोग बोलता है कि हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बिस्मिल्लाह करके पीते, ये भी बहुत अच्छा संस्कार है, कम से कम याद तो किया ना। बल्कि आप हिंदुओं में देखिए कोई याद वाद नहीं, खाना आया अरे वाह इतना टेस्टी खाना आया, खाने लग पड़ते हैं, याद नहीं रहता है ना, बच्चों के अंदर संस्कार डाला जाता है। लेकिन अभी बाबा हम लोगों को संस्कारित कर रहा है। तो आत्माएं सब भाई भाई है, सबको ज्ञान देना है। अब आप बाप शिक्षा देते, माँ में कब याद करो विक्रम विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है, यह किसने कहा? बाप पतित पावन है यह किसने कहा? आत्मा ने कहा। मनुष्य भल गाते परंतु अर्थ तो नहीं समझते ना पतित पावन का। बाप कहते तुम सब सीताएं हो, हम सब आत्माएं बाबा राम, शिव बाबा राम हैं और हम उनकी सीताएं हैं। मैं हूँ राम, सभी भक्तों का सदगति दाता मैं ही हूँ, सबकी सदगति कर देता हूँ, सबकी सदगति बाबा करता, सबकी सदगति माना भक्ति मार्ग की आत्माओं का भी सदगति करता है, गति करता है। लेकिन जब वो जन्म लेगा ना तो वो दुख में नहीं आएगा, आएगा तो सुख में। हाँ ये है कि संस्कार नहीं जाएगा लेकिन वो सुख में आएगा, उसको भी तीन चौथाई से ज्यादा सुख, जैसे बोलते ना द्वापर में भी आएगा। तो द्वापर से कलयुग तक का जो उसका पाठ है 2500 साल, 2500 साल में तीन चौथाई से ज्यादा उसको भी सुख नसीब होगा जो भी आत्मा जन्म लेगी। तो बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं और बाकी सारी आत्माएं मुक्ति धाम स्थूल रूप में हम लोग सतयुग में आएंगे। सतयुग में जो बाबा का निर्माण किया हुआ जीवन मुक्ति धाम है उसमें हम लोग आएंगे और बाकी सारी आत्माएं, यहाँ तक कि त्रेता की भी आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी जब तक सतयुग रहेगा। तो सतयुग में दूसरा कोई धर्म होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं। कौन होंगे? जो देवी देवता बन रहे, क्षत्रिय नहीं, जो देवी देवता होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेती हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर बनते हैं, कितनी बड़ी दुनिया बन गई है, क्या क्या चीजें बनाती हैं। वहाँ ये सब कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत होगा, सिर्फ भारत होगा। यह रेल आदि भी नहीं होगा, ये सब खत्म हो जाएगा, वहाँ रेल की भी दरकार नहीं, छोटा सा शहर होगा ना। बाबा कहता है कि बहुत छोटा सा होगा लेकिन भरपूर होगा। रेल तो चाहिए दूर दूर गांव जाने के लिए, उसके लिए तो पुष्पक विमान है। तो बाबा कहता है वहाँ पर दूर दूर गांव जाने के लिए होता है रेल ये सब, लेकिन वहाँ तो कोई दूर दूर कुछ भी होगा नहीं। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो बुद्धि में सारा ज्ञान रहना चाहिए कि सतयुग में क्या होगा, त्रेता में क्या होगा, द्वापर कलयुग में क्या होगा, अभी संगम युग पर क्या हो रहा है, सब सारा ज्ञान बुद्धि में चलेगा तो ही पुरुषार्थ करेंगे। जैसे परमपिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है जो तुमको समझाती रहती, ऊंची से ऊंचा शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर हमारा पिता है। हम आत्माएं भी वहाँ अपने स्वीट होम में रहने वाली हैं। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं और हम रहने वाले कहाँ के? शांति धाम के रहने वाले। शांति का सागर हमारा पिता है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? शांति के भिखारी बन पड़े हैं, शांति के भिखारी बन गए हैं। साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं, मतलब गुफाओं में चले जाते हैं तपस्या करने, कहाँ जंगलों में चले जाते शांति की तलाश में ना। तो गाय जाता आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, कहीं भी चले जाओ मन को अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा तो वो फिर से अशांत हो जाएगी।
तो जहाँ है वहीं रहकर हमें शांति का अनुभव करना है, क्योंकि उनका धर्म ही है शांत रहना। हमारा धर्म क्या है? शांत रहना। सुख ही मुख ही नहीं, कर्मेंद्रिया ही नहीं तो जरूर शांति होगा ना। तो हम आत्माओं का निवास स्थान स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती, वहाँ मुख नहीं है, कान नहीं है, आँख नहीं है, सत्य परम धाम में तो वहाँ शांति ही शांति है। फिर वहाँ से पहले हम आते हैं सुख धाम में, जो सतयुगी आत्मा वो पहले आते हैं। अभी तो इस दुख धाम में ट्रांसफर होते होते आ गए हैं, सुख धाम में अब ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर से हम सतयुग से ट्रांसफर हुए, दुख धाम में आ गए, अब दुख धाम से बाबा ट्रांसफर करा रहा है फिर से सुख धाम में जाने के लिए। तो बाप पावन बना रहे, कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि, वहाँ कुछ भी नहीं होगा, जंगल भी नहीं होगा, वहाँ सतयुग में जंगल नहीं होता है, इतनी पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होगी, हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं वैसा छोटा सा वहाँ स्वर्ग होगा। वंडर देखो, कितनी बड़ी सृष्टि, और यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, ये मेरा लड़ते रहते हैं। फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा, इतना सब कुछ खत्म हो, यह सब कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे, मतलब पानी भर जाएगा पूरा, बोलते हैं ना 3/4 से ज़्यादा पानी भर जाएगा, तो इसका नामो निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज़ जाती है वह अंदर खत्म हो जाती है, वो सेफ नहीं रहती है। सागर हप कर लेता है, तत्व तत्व में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, फिर दुनिया ही फिर से सत्व प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सत्व प्रधान प्रकृति, नया प्रकृति तैयार किया जाता है। देखिए बीज बोते हैं तो उसके लिए कुड़ाई करते हैं, तब बीज बोते हैं। तो फिर अगर पेड़ उग गया, पेड़ को काट देंगे, पूरा हटा देंगे, तो क्या फिर से हो जाएगा? पूरी तरह से उसको नया बीज रोपने के लिए फिर से खुदाई किया जाता है। तो तुम्हारी वहाँ नेचुरल ब्यूटी भी रहती है, यहाँ पर बाबा कहते हैं ना कि चेहरा भी सुंदर वहाँ होगा और चारों तरफ दुनिया भी सुंदर, प्रकृति भी सुंदर होगी। जैसे कि मनुष्य कहते हैं ना छोटा बच्चा होता है, वैसे ही वहाँ जो जीव जंतु होंगे ना वो भी एकदम छोटा का जो होता है ना रूप, वो रूप होगा, चाहे वो बड़े भी हो जाएंगे लेकिन मासूमियत रहेगा। तो लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते हैं वहाँ पर, नेचुरल ओठ लाल होगा आपका, लिप और सही होगा, नेचुरल ब्यूटी होगा वहाँ पर सब कुछ। तो सोचिए कितना सुंदरता, कोई मेहनत नहीं, यहाँ कितना लीपा पोती करते हैं चेहरे में, और वहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है यहाँ पर चेहरे की चमक को बढ़ाओ, कैसे? संस्कारों से। जितना आप संस्कारों से सजेंगे वहाँ सिंगारों से सजेंगे, स्थूल सिंगार से। यहाँ पर अगर आपका संस्कार खराब हुआ वहाँ मेकअप खराब होगा, मतलब खराब होने का मतलब जैसे तैसे नहीं लगा लेंगे कुछ भी, लेकिन कम मिलेगा आपको सब कुछ। तो तुम बच्चों को खुश हो जाना चाहिए, तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो। ज्ञान स्नान नहीं करोगे तो तुम देवता नहीं बनोगे, और कोई उपाय भी नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सांवरी बन गई हो। मासिक मासुक तो बड़ा सुंदर है, दूल्हा सुंदर और दुल्हन खराब तो अच्छा लगेगा जोड़ी? तो हमारा दूल्हा तो बहुत सुंदर है, तो जो आकर तुमको भी सुंदर बना रहे हैं ना। तो बाबा बाप कहते मैं इनमें प्रवेश किया है, मैं भी कभी सांवरा कभी नहीं बनता, शिव बाबा बनता नहीं है कभी भी सांवरा, तुम सांवरे से सुंदर बनती हो, इसलिए नाम पड़ता है श्याम सुंदर। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है शिव बाबा, वह बाबा सांवरा या बाबा सांवरा और सुंदर बनते हैं ब्रह्मा बाबा। तुम सबको सुंदर बनाकर साथ ले जाता हूँ, तुम बच्चों को सुंदर बनकर, मतलब संस्कारों से सुंदर बनकर, और फिर सबको सुंदर बनाना है, सबको भी सुंदर बनाना है। बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं, गीता में यही भूल कर दी है, जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसको ही कहा जाता है एकज लेकिन महाभूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा और उनके बदले स्वर्ग का पहला नंबर का सुंदर जो बनता है उसका नाम डाल दिया गया है, मतलब करने वाला कोई और फल, मतलब उसका नाम लेने वाला कोई और बन जाता है। तो यहाँ भी लोग बोलते हैं ना, देखो सारा काम हम किए, नाम कोई और लूट कर ले गया। तो हमें बाबा को याद करना चाहिए कि बाबा फिर भी रहम दिल बनता है। तो यह कोई समझते थोड़े ही हैं, बाप भारत फिर सुंदर बनने का है, वह समझते 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग आएगा बनेगा। तुम बताते हो सारे कल्प की आयु मात्र 5,000 साल है,
तो बाप आत्माओं से बात करते, कहते मैं आधा कल्प का मासूक हूँ, मैं आधा कल्प का मासूक हूँ, यानी द्वापर से हम लोग ढूंढते हैं ना, तो द्वापर से कलयुग तक के लिए वो हमारा मासूक बनता है, हम उसको याद करते हैं। तुम मुझे पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं को आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर अभी चलना चाहिए, जब पावन बना रहा है बाबा तो उनकी मत पर चलें, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधादी मत करो, नहीं, सब कुछ करना है, क्योंकि घर कैसे चलाएंगे, घर को भी तो चलाना है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, फिर सिर्फ एक आत्मा, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी और अभी बच्चे पैदा नहीं करो। बाबा कहता है ना कि जो बच्चे आ चुके हैं उसकी पालना बहुत अच्छे से करो, लेकिन और बच्चे अब विकारों में जाकर जन्म नहीं देना है, नहीं तो वह याद आते रहेंगे, फिर ज्ञान छूट जाएगा। इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है, जो कुछ देखते हो यह सब खत्म हो जाने वाला है, शरीर ही खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर नया मिलेगा, या बेहद का संन्यास बाबा करवाते हैं। बाप नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने घर से दिल हट जाता है ना, और कोई भी पुराना चीज को, मतलब बाप नया बनाकर आप उसको रखेंगे, लेकिन टूटा फूटा सामान रखेंगे नहीं, रखेंगे लगेगा नहीं, सब अच्छे से रखें। स्वर्ग में क्या नहीं होगा जो तुम यहाँ के पिछाड़ी भागते हो, यहाँ पर फालतू सामान के पीछे भागते, ये मिल जाए। बाबा कहता है यहाँ का फर्नीचर, वहाँ के फर्नीचर में आसमान जमीन का अंतर होगा, वहाँ तुमको सब कुछ मिलेगा, क्यों यहाँ भागना, तो अपार सुख होगा। स्वर्ग तो यहाँ होता है, स्वर्ग तो यहाँ होता है, दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे, तो फिर छत पर रख दिया है, नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद दिखाया। महावीर जो ऊपर सोने में जड़े हुए दिखाते ना, वही स्वर्ग का सीना, नीचे कोई घुड़सवार हाथी घोड़ा सब बना हुआ है, वो तपस्या से बने हैं। तो कितना अच्छा मंदिर है, ऊपर में अचल घर, सोने की मूर्तियां हैं, उनसे ऊपर है फिर गुरु शिखर, गुरु सबसे ऊपर बैठता है ना, तो इसलिए शिखर पर दिखाते हैं, तो ऊंची से ऊंचा सदगुरु है। फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग, तो यह दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयुग तुम सीखते हो, स्वर्ग यहाँ होगा, देवताएं यहाँ थी ना, परंतु उसके लिए पावन दुनिया भी बन रही है, अभी देवी देवता नहीं आ रहे, अभी एडवांस पार्टी बोलते हैं, देवी देवता नहीं बोलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भी भूलने का ही अभ्यास करो, देख रहे सब कुछ है लेकिन अल्पकाल के लिए है, इसलिए भूलते चले जाना है। पुराने घर से दुनिया से दिल हट जाना चाहिए, नए घर को याद करना है, नए घर को माना नया, यहाँ जो घर बनाए उसको नहीं, अपना नया घर सत्यु को याद करना है। ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है, जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरा से गोरा बनाना, संस्कारों से गोरा बनाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं है, कभी कभी माया बहुत विकल्प डालती है, क्या करे कैसे, युद्ध करना है उससे और जीत कर दिखाना है कि हम तो रुकेंगे नहीं, हम तो हिलेंगे नहीं, तो विजयी बनकर दिखाना है। देखिए ये सब अनुभवी है ब्रह्मा बाबा का, उनके पास भी ये सब पेपर आया होगा, तभी तो हम बच्चों के पास भी आ रहा है। तो बाबा हम पर ज़्यादा रहम दिल है, क्यों, बाबा बोलता है कि हम मेरे साथ बाबा कंबाइंड है, सो हम इतना हो जाते हैं, अब मेरे बच्चों को कैसा लगता होगा, तो दोनों मिलकर हमारी पालना कर रहे हैं। वरदान महादानी बनकर फ्रॉग दिल से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल बनो, खुले दिल से बांटते चले जाना, सबको देना है। तो लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि अभी कोई दूसरों को खुशी देना नहीं चाहता है, मांगना सब जान गया है, हमको खुश दो, खुश कर दो, हमको ये दो, इसीलिए खुशी नहीं मिल रहा, देना शुरू कर दे मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्रॉग दिल से खुशी का दान देना है, ऐसे समय में जब कोई खुशी के लिए तड़प रहा है, उस समय भी हमें उसको रहम दिल बनना पहले और खुशी का दान देना है।
इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। रहम दिल मतलब कोई कैसा भी आपके साथ व्यवहार किया उसको याद नहीं करना है, वो आत्मा तड़प रही है और इसीलिए गलत व्यवहार करे। जब आपका तबीयत खराब होता है, जब कमजोरी फील होता है और उस स्थिति में कोई ज्यादा काम बोल दे तो चिड़चिड़ाहट आता है कि नहीं, सब हम ही करें कैसे करेंगे, आता है। लेकिन आप जब तंदुरुस्त हैं और आपको बोला जाए कर दो, हाँ ठीक है हम सब सेवा कर देंगे, तो वही चीज़ है कि बाबा उन बच्चों के लिए बता रहा है कि वो लोग अभी कमजोर है, इसीलिए चिड़चिड़ाहट में किसके पास निकालेंगे, हमारे पास निकालती हूँ। तो बाबा कहता उस समय रहम दिल बनकर गुण को इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र आज भी वरदान दे रहे हैं, तो आप तो चैतन्य हो ना, तो आपको रहम दिल बनकर बांटते जाओ, सबको दुआ देते जाओ, क्योंकि परवश है वो आत्माएं, कमजोर है वो। कभी ये नहीं सोचो इसने ये तो सुनने वाला ही नहीं है, नहीं आपको सुनाना है, वो सुने या ना सुने आपको प्यार से समझाते रहना है। आप रहम दिल बनकर देते जाओ, क्या बच्चे अगर नहीं चलना सीखेंगे तो उसको मालिश आप नहीं करते हैं और ज्यादा मालिश करते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर अगर कोई बच्चा ज्ञान में नहीं आ रहा उसको और ज्यादा ज्ञान प्यार से समझा। अब ऐसा नहीं कि सुनना नहीं चाह रहा आप जबरदस्ती, नहीं वाइब्रेशन देते हुए हल्का हल्का दे। कमजोर बच्चे को ज्यादा खाना खिला दीजिएगा ना तो वॉमिटिंग कर देगा, वो नहीं बर्दाश्त करेगा, थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना है। आपको शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य मिलेगा। तो आज का स्लोगन है योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज अधिकारी बनेंगे। योग की शक्ति से आपको अपनी कर्मेंद्रियों को क्या करना, संकल्प विकल्प आएगा, लेकिन बस में करके नहीं बोलना है हमको, लग रहा बोल दे चुप रहना है, यही है कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। तो यह हम स्वराज अधिकारी हैं तभी कहलाएंगे जब हम अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। ओम शांति।